राम राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सनी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल घुमक्कड़ पर। और इस बार हम लोग हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर निकले हैं और ये है ऋषिकेश का बस स्टैंड। हम लोग यहां अभी अभी पहुंचे हैं। और ऋषिकेश में हम लोग ने दोस्तों तपोवन में बुकिंग कराई थी जो कि लक्ष्मण झूरा के साइड है। और यहाँ से ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है लक्ष्मण झूला के पास। ये देखिए दोस्तों, ये सामने लक्ष्मण झूला है और वो सामने त्र्यंबकेश्वर टेम्पल है। लक्ष्मण झूला भी बंद किया गया है क्योंकि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है नए पुल बनाने का। और ये यहाँ पर तपोवन घाट है जो कि एक बहुत सुंदर घाट है। यहाँ पर लोग सुबह सुबह आकर योग करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज भी आते हैं और ये बहुत ही शांत जगह है तपोवन साइड। यहाँ रुकने का एक अलग ही आनंद है। आप सुबह आकर इस घाट पर बैठ जाइए और आप घंटों आपका समय कैसे निकल जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। ये देखिए दोस्तों, हमारे मम्मी पापा भी यहाँ पर सामने नजारों का आनंद लेते हुए तपोवन घाट पे। और ये तपोवन घाट का मेन गेट है। दोस्तों अभी बारिश के कारण राफ्टिंग और सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स बंद है, वरना लोकल बता रहे थे कि यहीं पर थोड़ा आगे से रिवर राफ्टिंग चालू होती है। मैं आप लोग को यहां पर एक बात बताना चाहूंगा कि ऐसी जगहों पर नहाने से बचाव करें क्योंकि यहाँ पर किसी भी समय 1 मीटर से लेकर 3-4 मीटर तक पानी कभी भी बढ़ और उतर सकता है। और यहाँ पर इस चीज़ का बोर्ड भी लगा है, आप वहीं पर स्नान करें जहाँ पर प्रॉपर घाट बने हो, जहाँ पर चेन लगी हो और बैरिकेड लगे हो, वहीं पर स्नान करें क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत तेज रहता है और ये कभी भी बढ़ जाता है। दोस्तों ऋषिकेश को बिल्कुल सही योग नगरी कहा गया है। ऐसी सुंदर जगह, इससे बड़े बड़े हरे पहाड़, वह कलकल करती हुई बहती हुई नदी और ऐसी शांत जगह जहाँ पर आप योग नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और अब हम लोग राम झूला आ गए हैं। दोस्तों आज शाम को मैं यहाँ ने सोचा कि यहाँ आकर गंगा आरती का आनंद लिया जाए। राम झूला पार करके उस साइड परमात आश्रम है जहाँ की गंगा आरती बहुत फेमस है, इसलिए मैंने सोचा चलो आज शाम को गंगा आरती में सम्मिलित हुआ जाए। इन झूलों पर चलने का एक अपना अलग ही मजा है। लोग यहाँ पर पैदल भी चलते हैं और स्कूटर और बाइक से भी निकलते हैं। जब आप इतनी तेज प्रवाह से बहती हुई गंगा के ऊपर इस राम झूला पुल से निकलेंगे और ये पुल जब धीमे धीमे हिलेगा तो आपको एक अलग ही आनंद आएगा दोस्तों। और उसके ऊपर से यहाँ पर इतने सुंदर नज़ारे, सामने इतने प्यारे पहाड़, नीचे कलकल बहती हुई गंगा नदी और उसके उस पार बहुत बड़े बड़े आश्रम, ये नज़ारा एक अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। मुझे तो यहाँ आकर इतना अच्छा लगा कि अब मुझे जब भी मौका मिला मैं ऋषिकेश जरूर आऊँगा। तो राम झूला पुल पार करने के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं परमार्थ आश्रम। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आरती चालू हो गई है, लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोग आराम से बैठकर आरती का आनंद ले रहे हैं। मैया।
और हम लोग पहुंच गए हैं जानकी पुल। ये रामझूला पुल से थोड़ा आगे बना हुआ है और ये भी रामझूला पुल की तरह ही बहुत ही विशालकाय है। और अब मैं निकल चुका हूँ नीलकंठ महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों ये मंदिर ऋषिकेश से कुछ 25-30 किलोमीटर दूर है और ये पहाड़ी पर ऊपर बना हुआ है, जिसके लिए आपको नीचे से या तो आप अपनी खुद की गाड़ी कर सकते हैं या तो फिर शेयर्ड में बोलेरो कैब चलती हैं जो 250 रुपये लेती हैं ऊपर से नीचे तक आने जाने का। और ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर लोहे का पुल बना हुआ है, इसको पार करके हम लोग इस पार आए हैं। क्या सुंदर रास्ता है, हम ऊँचे ऊँचे पहाड़ पर चढ़ते जा रहे हैं और साथ में बगल में गंगा नदी बहती हुई चल रही है। और अब हम लोग ऊपर मंदिर के पास टैक्सी स्टैंड पहुंच गए हैं और अब हमें यहाँ से 3-4 किलोमीटर पैदल चल के मंदिर तक पहुंचना है। और ये देखिए आप रास्ता देख सकते हैं दोस्तों मंदिर की ओर जाने वाला, और आप देख सकते हैं यहाँ रास्ते में बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पर आप प्रसाद के अलावा बहुत सारी खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पे हर कुछ सामान मिल रहा है जो आप अपने घर के लिए छोटे मोटे चीज़ें ले जा सकते हैं, जैसे माला आला या कुछ और भी सब कुछ यहाँ पर मिल रहा है। बहुत सारी दुकानें बनी हुई हैं रास्ते में दोस्तों। और आज यहाँ पर बहुत भीड़ है, आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ लगी हुई है दर्शन के लिए। और अब काफ़ी देर लाइन में लगे रहने के बाद हम लोग फाइनली मंदिर के अंदर पहुँच गए हैं दर्शन के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये मंदिर। मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के बाद अब हम लोग मंदिर के बाहर आ गए हैं और ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा है सामने, वो देखिए कहाँ पहाड़ों के बीच में एक बंगला बना हुआ है। अगर ये वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, और हो सके तो उसको शेयर भी कीजिएगा।